नमस्कार, आज मैं आप सबको कन्याकुमारी फेरी सर्विस के बारे में एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। ये फेरी सर्विस हम सब लोगों को विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर स्टैचू ले जाने के लिए हुम्बुवर शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे आगे वाली फोटो और वीडियोस में मैंने डेट और टाइम लिख के दिया है, क्योंकि तब मैंने सोचा नहीं था कि एविडेंस के तहत मुझे ये सब लेना पड़ेगा, तो वाटरमार्क वहाँ पे इनेबल्ड नहीं था। बाद में जो मैंने तस्वीरें लिए हैं वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे डेट और टाइम मेंशन होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पे मैंने वाटरमार्क को इनेबल कर दिया था। ये अक्टूबर 2019 में जब मैं पहली बार गया था कन्याकुमारी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों को विवेकानंद रॉक मेमोरियल ले जाया गया, तिरुवल्लुवर स्टैचू पूरा खाली है। उसके बाद हम लोग फिर से वापस आ गए, यहाँ पे जो फेरी है वो हम लोग को वापस ले आई। फिर 2020 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक फेरी जा रहा है वापस बोर्डिंग पॉइंट की तरफ, वो किसी को भी लेके तिरुवल्लुवर स्टैचू तक नहीं गया था, सिर्फ विवेकानंद रॉक मेमोरियल दिखा के ही वो लोग हम लोग को वापस लेके चले गए। यहाँ पे क्राउड देख के आप समझ सकते हैं कि तब कोरोना का कोई प्रभाव नहीं था, यहाँ पे कोविड नहीं चल रहा था। अभी आप देखिए, ये जस्ट कुछ दिनों पहले 2022 में ये तब का तस्वीर है जब हम लोग जा रहे थे, एक फेरी वापस आ रहा था विवेकानंद रॉक मेमोरियल से, तिरुवल्लुवर स्टैचू तभी भी खाली था। फिर आप देखिए एक और फेरी यहाँ पे वापस जा रहा है, कोई भी फेरी तिरुवल्लुवर स्टैचू तक नहीं गया। लगभग डेढ़ घंटा विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रहने के बाद हम लोगों को भी वापस फिर से बोर्डिंग पॉइंट तक लाया गया। तिरुवल्लुवर स्टैचू में किसी को भी अलाउड नहीं किए तब तक। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम लोगों को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बोर्डिंग पॉइंट तक वापस लाया जा रहा है, तिरुवल्लुवर स्टैचू की तरफ फेरी नहीं गई थी। अब जब आप लोग लौट के आते हैं, जनरली हम लोग दोपहर का लंच करने के बाद होटल में ठहरते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं या फिर दूसरी कोई जगह पर देखने के लिए चले जाते हैं। हम लोग वापस नहीं आते हैं बीच में या फेरी सर्विस की तरफ देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। हम लोग भी वही किए थे, अचानक 3 बजे जब मैंने देखा कि तिरुवल्लुवर स्टैचू के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। अगर आप लोग ठीक से देख सकेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं कि एक आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो मैं चौंक गया था। फिर स्क्रीन पे दिखे गए नंबर पर मैंने उन लोगों को कॉल किया, ये उन लोगों के ऑफिस का नंबर है, हुम्बुवर शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिस का नंबर है। तो मैंने बस यही जानने की कोशिश की कि वहाँ पे क्या कोई अलग टाइमिंग है तिरुवल्लुवर स्टैचू तक जाने के लिए। तो जो फ़ोन के उस तरफ थे उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, तिरुवल्लुवर स्टैचू अभी बंद है टूरिस्ट लोगों के लिए। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं देख सकता हूँ कि 2 लॉन्च ऑलरेडी जा चुके हैं, तीसरे वाला जा रहा है, तब वो चौंक गए और मुझे बोले कि आप ऑफिस में आइए बात करने के लिए, ऑफिस में आइए। मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि मुझे दोबारा टिकट खरीदनी पड़ेगी या नहीं, तो वो बोले कि नहीं, अगर पुराना टिकट आपके साथ है तो उसमें ही आप जा सकते हैं, आपको फिर से नया टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बात है, कितने लोग वो कागज़ का टुकड़ा अपने साथ रखते हैं। हो गया, हम लोग चले गए, वापस आ गए, हम लोग वो फेंक देते हैं नॉर्मली। अगर कोई रखता है तो वो ठीक है, अगर लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं रखते वो टिकट को अपने साथ।
जब वो टिकट लेके मैं पहुंचा टिकट काउंटर में, तो वहाँ पे बैठी हुई मैडम ने मुझसे बोली कि आप जाइए मैनेजर के पास से एक साइन लेके आइए। तो मैं मैनेजर के रूम तक गया, वहाँ टिकट के पीछे उनके पास से मैंने एक साइन लिया और एक स्टाफ मेंबर हम लोगों के साथ आए जो कि एग्जिट वे के थ्रू हम लोगों को लेके गए लॉन्च तक। और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि आप लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मत उतरिएगा, आप लोग बस तिरुवल्लुवर स्टैचू तक ही जाइएगा। वो हम लोगों को वैसे भी पता था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हर एक तस्वीर में कि वहाँ पे बहुत सारे लोग गए थे टूरिस्ट, सभी लोग वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड किए। और तिरुवल्लुवर स्टैचू फ्री है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाने के लिए आप लोगों को फिर से एक 20 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा रॉक में उतरने के बाद। तिरुवल्लुवर स्टैचू में ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ मैंने हर एक तस्वीर और वीडियो वाटरमार्क से ही लिया था ताकि डेट और टाइम ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाए, क्योंकि पहले तो मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसे लेना पड़ेगा, लेकिन बाद में लेना पड़ा, क्या किया जाए अभी। तो यही वो सच्चाई है कि सुबह के वक्त वो लोग हम लोग को नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये तिरुवल्लुवर स्टैचू में जाना चालू हो रहा है, लेकिन असली कारण क्या है ये मुझे मालूम नहीं, उन लोगों ने मुझको नहीं बताया। लेकिन एज अ टूरिस्ट, एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, वी शुड डिमांड द एक्चुअल रीजन फ्रॉम देम। बात 50 रुपये वाली टिकट या सीजनल टाइम में क्राउड एफर्ट करने के लिए 200 रुपये वाली टिकट खरीदने की नहीं है। बात यह है कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बस एक ही बार कन्याकुमारी आ पाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे चीट हो रहे हैं, उन लोगों को तिरुवल्लुवर स्टैचू नहीं ले जाया जाए। अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि गूगल मैप्स में बहुत सारे रिव्यू है जहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि तिरुवल्लुवर स्टैचू इज़ क्लोज फॉर मेंटेनेंस पर्पस और सम अदर रीज़न, दे डोंट नो। तो एक बार टिकट कटने के वक्त मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काउंटर में पूछ लें कि तिरुवल्लुवर स्टैचू जा सकते हैं या नहीं, अगर नहीं जा सकते तो क्यों नहीं जा सकते ये जरूर पूछें। धन्यवाद।